तो लिखो स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखो। अच्छा इसमें कैथोड एनोड कौन कौन से होंगे? केमिस्ट्री पढ़ी है ना, कौन सा हो कैथोड? अरे यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना। yes, तो लिखो इट इज द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। इट इज द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड सच दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट completely stops। इसका मतलब भी लिख लो, बाद में भूल जाओगे। It means all the emitted electrons are absorbed back by the emitter plate। So stopping potential is the negative potential of the anode with respect to cathode such that photoelectric current completely stops। It means all the emitted electrons are absorbed back by the emitter plate। मतलब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को वापस ले ले अपने पास, ठीक है। तो ऐसा कैसे होगा? इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, हम कैसे निकालेंगे? तो सोचो, अगर इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा हो जाए कि जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है, अगर उसको भी हम वापस खींच लेंगे तो बाकी सारे तो वैसे ही आ जाएंगे, समझ है ना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले के सबसे ज्यादा चांसेस यहां तक पहुंचने के, हमें नहीं पहुंचने देना है ना। तो अगर मैंने मैक्सिमम वाले को वापस बुलवा लिया तो बाकी तो वैसे ही आ जाएंगे। तो हमारा टारगेट क्या है? मैक्सिमम वाले को वापस बुलाना है। तो इसको एनर्जी से करते हैं। तो मान लो तुमने प्लेट बताया नेगेटिव लगा दिया ना, कितना दे दिया अपन ने? स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब सारे के सारे वापस आ जाएंगे। ये भी कैसे होगा? ये भी वापस आ, जितने जाएंगे सारे वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट मान ले तो इसका कितना हो जाएगा? Vs। अच्छा देखो, अगर मैं जो इस इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम एनर्जी है उसको और इस प्लेट को सिस्टम मान लूं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा रही है प्लेट्स और जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने साथ में सिस्टम मान लिया, तो जो भी है सब कुछ इंटरनल फोर्सेस हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज हम बोल सकते हैं EI इक्वल टू E फाइनल, मतलब U इनिशियल प्लस U फाइनल इक्वल टू K इनिशियल प्लस K फाइनल, है ना। मतलब जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, मान लो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, अरे हाँ गलत लिख दिया मैंने। तो देखो भाई, अगर यहाँ पे ये मान लो वो इलेक्ट्रॉन है जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो ये मैक्सिमम क्या हो पाएगा? ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक पहुंच पाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा, मतलब जस्ट बिफोर हिटिंग द कलेक्टर प्लेट, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? यहाँ पे 0। और काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी डायरेक्टली रिलेटेड है ना, के इक्वल टू ½ mv², है ना। तो जैसे ये मैक्सिमम वाला यहाँ पे पहुंचेगा, इसकी स्पीड 0 नहीं होगी तो फिर तो चला जाएगा इसके अंदर। हम नहीं चाहते ना एब्जॉर्ब हो, मतलब जस्ट बिफोर हिटिंग द कलेक्टर प्लेट इसकी स्पीड 0 हो जाए, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बताओ इलेक्ट्रॉन की? Kmax। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन की? 0। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी तो लिख दी दोनों की, पोटेंशियल लिखते हैं। अब भाई पता है ना पोटेंशियल होता है, अगर तुमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो U होता है Q × V। तो इसका चार्ज कितना है? E माइनस E। और पोटेंशियल कितना है यहाँ पे? Vs। तो इनिशियल पोटेंशियल कितना हुआ? -E × Vs। -E क्यों लगाया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज E नहीं होता, -E होता है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? 0। तो यहाँ पे तो भाई पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई? 0। तो देखो क्या निकल के आया, EVs इक्वल टू Kmax। और Kmax क्या होता है? वैसे तो यही याद रखना है, hν -5। इंडीड इससे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के एक ग्राफ और बना देंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ गया? HYE × ν -5। तो इस इक्वेशन को याद करने की जगह मैं कहता हूं बस ये वाली इक्वेशन याद रखो ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को रोक दे, और Kmax तो हमको पता ही है, hν -5 होता है, ये तो हमने याद कर लिया। तो ये 10 फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है ना, एक में काम हो जाता है, ठीक है सर। वहां पे आ गया, वहां पे क्यों नहीं आया? U होता है Q × V, ये पढ़ा है। पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज इंटू पोटेंशियल, पढ़ा है। चार्ज कितना है? -E। पोटेंशियल कितना है? Vs। पोटेंशियल एनर्जी होती है Q × V। जब चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो इसका पोटेंशियल 0 हो गया, क्योंकि नेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होती है Q × V। जब चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो इसका पोटेंशियल 0 हो गया। हम बताएं रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, नेगेटिव वाले का हम 0 वोल्ट मानते हैं और उस हिसाब से बाकी सबका लिखते हैं। ये रेफरेंस मान के चलते हैं, बाकी पोटेंशियल कुछ नहीं होता, चेंज इन पोटेंशियल से फर्क पड़ता है। ठीक है, देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ रहा है हमारा, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है? 5/h। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों आ रहा है देखो, ये भी समझ लेते हैं। ये क्या बोल रहा है? जब स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो जाए, है ना, मतलब हमको चाहिए ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि जैसे जैसे हम फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं ना, जो फोटोन्स गिरा रहे हैं हम प्लेट पे, उनकी फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, है ना, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मान लो मैंने फोटोन्स को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे गिराया है। जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे फोटोन्स को गिराते हैं तो जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जीरो। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी जीरो है तो उसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में कोई पोटेंशियल लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, वो तो ऑलरेडी रुका हुआ है। तो इस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल इसलिए जीरो आ गया। तो जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। कितना कांस्टेंट होगा, है ना, क्योंकि ये दो कांस्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है और जो एक्स इंटरसेप्ट है वो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। क्लियर है क्या? चलो एक क्वेश्चन करो। ये मेटल वन है, मान लो दो अलग अलग मेटल के लिए मैंने ये ग्राफ बनाया है ना। मान लो कलेक्टर प्लेट दो अलग अलग मेटल की बनी है, दो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट में ऐसा ग्राफ आया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में ऐसा ग्राफ आया। ये एंगल है थीटा 1, ये एंगल है थीटा 2। तो बताओ ऑप्शंस हैं θ1 = θ2, θ1 ग्रेटर देन θ2, θ1 लेस देन θ2, डेटा इनसफिशिएंट। क्यों? एक ही होगा क्योंकि tan थीटा हमेशा कांस्टेंट है तो थीटा भी कांस्टेंट है ना। देखो क्योंकि इन सारे पैरामीटर्स में जो फाई है वही मेटल पे डिपेंड करता है ना, बाकी कोई चीज मेटल पे डिपेंड नहीं करती। और देखो जो स्लोप है हमारा वो hy आ रहा है, वो तो यूनिवर्सली कांस्टेंट है। मतलब कोई भी मेटल हो उसके लिए स्लोप क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर स्लोप सेम है तो θ1 θ2 बराबर होंगे। समझ में आएगा ये वाला? नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया सीरियस सर। ये अलग-अलग डिस्टेंस भी तो है। अभी तो थीटा की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात ही कहां करी, अभी तो थीटा की बात कर रहे हैं। तो क्यों हो गए? क्योंकि सर मेटल 1 और मेटल 2 का फाई सेम कहां दिया हुआ है? फाई सेम है भी नहीं। पर देखो स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है? h और e पे। h तो भाई हर जगह सेम है, e भी हर जगह सेम है, तो थीटा भी हर जगह सेम होगा। अगर मैं बोलूं इसका वर्क फंक्शन, अगर मैं कहूं इस मेटल का वर्क फंक्शन φ1 है और इस मेटल का वर्क फंक्शन φ2 है, तो क्या बोल सकते हो? φ1 = φ2, φ1 greater than φ2, φ1 less than φ2, φ1 less than φ2, data insufficient, φ1 less than φ2। कैसे बता सकते हो? बताओ सर, वो आगे है इंटरसेप्ट न्यू पे डिपेंड। हमें देख रहा है एक्स इंटरसेप्ट क्या है? φ/h। तो अगर इसका वर्क फंक्शन φ1 है तो ये इंटरसेप्ट क्या होगा? φ1/h। और ये इंटरसेप्ट क्या होगा? और क्लियरली दिख रहा है भाई φ2 आगे है ना एक्सिस पे, तो क्लियरली दिख रहा है कि φ2 greater than φ1। तो इस तरह के क्वेश्चंस कर लोगे आएंगे तो स्लोप हर एक मेटल के लिए सेम रहेगा और जिसका एक्स इंटरसेप्ट ज्यादा है उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। क्वेश्चन लिखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख दिया मैंने बोर्ड पे। देन फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। बताओ, हमको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, एनर्जी है ना। तो EVS इक्वल टू Kmax, तो E into VS इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया ना, E से E कट गया ना, तो VS इक्वल टू 15 वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? 15 वोल्ट। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्लियर है क्या? अब सैचुरेशन करंट पे बात करते हैं, फिर हम वैल्यू की बात कर रहे हैं ना। सर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने कूलम होता है? कूलम नहीं होता, जूल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, ये होता है। एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, वोल्ट पोटेंशियल का यूनिट है। ई मतलब होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, कूलम इंटू वोल्ट बन जाता है जो हमारा जूल। तो आ गया।